हेलो। हेलो। हाँ बोलिए हाँ, मैं बोल बोलिए रहा सर। था कि आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे पास पिछले 6 महीने से, शॉर्ट सेनुलम और आपका माइक्रो पिनस का, तो शॉर्ट जी। सेनुलम में कितना आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है अभी तक? 70% इलास्टिसिटी इम्प्रूवमेंट हुआ है जी। अच्छा, और आपका माइक्रो जी पिनस में, पिनस की साइज में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? पीनस की साइज में सर अभी इम्प्रूवमेंट तो लग रहा है मेरे को, 1.5 से 2 इंच लगभग। अच्छा, 1.5 से 2 इंच तक आपको इम्प्रूवमेंट आपको पिनस की साइज में भी हुआ है, और माइक आपका शॉर्ट जी सेनुलम की जो प्रॉब्लम है उसमें भी आपको काफ़ी हद तक राहत है, यही बात है ना? जी, यही बात तो है। दोस्तों, आपने ये जो अभी कन्वर्सेशन सुना, ये मेरा और मेरा एक पेशेंट का है जिनको बेसिकली शॉर्ट सेनुलम और टाइट फोरस्किन की समस्या थी। अब शॉर्ट सेनुलम क्या है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बताने की दरकार नहीं है। जो ये वीडियो देख रहा है उसको शॉर्ट सेनुलम का मतलब भी पता होगा। तो ये पेशेंट आज से 6 महीना पहले हमसे कॉन्टेक्ट किए थे शॉर्ट सेनुलम और टाइट फोरस्किन की समस्या को लेकर। और अगर इतने सालों तक किसी में फोरस्किन टाइट रहा तो जाहिर सी बात है उनका जो लिंग का जो विकास है, जो ग्रोथ है, वो सही से हो नहीं पाएगा। तो इनका शॉर्ट फेनुलम और टाइट फोरस्किन के साथ साथ इनको माइक्रोपिनिस की भी प्रॉब्लम थी, यानी लिंग का छोटापन का भी प्रॉब्लम थी, और उसको भी मुझे ठीक करना है। और ये जो पेशेंट है, ये हमारा यूट्यूब वीडियोस देखकर हमसे ऑफलाइन कंसल्ट किए थे, ऑनलाइन नहीं, हमारा क्लिनिक पे आकर हमसे ट्रीटमेंट लिए थे ये। तो इन सभी समस्याओं को कैसे ठीक किया गया, हमारा ड्रग सिलेक्शन क्या रहा, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैं डॉक्टर सुप्रदत्ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। दोस्तों, इस केस में मैंने थुजा को रेकमेंड किया था। थुजा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, थुजा को हमने एलम पोटेंसी 0/9 से स्टार्ट किया था इस केस में। अब सवाल ये आता है कि थुजा ही हमने क्यों रेकमेंड किया, इतने सारे मेडिसिन होने के बावजूद भी हमने थुजा ही क्यों रेकमेंड किया इनको। तो इस पेशेंट में सिर्फ 3 ऐसी प्रमुख सिम्टम्स थी जिसे देखकर मुझे लगा कि इनको थुजा ही देना चाहिए, थुजा से ही इनका प्रॉब्लम ठीक होने वाली है। पहला जो सिम्टम है वो ये है कि ही इज अ चिली पेशेंट, इनको ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। थोड़ी सी क्लाइमेट अगर बदल कर अगर कूल हो जाए, ठंडा हो जाए, तो ये नहाते नहीं है और इनको ब्लैंकेट की जरूरत पड़ता है। इवन कि गर्मी के महीनों में अगर थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए और अगर मौसम थोड़ी सी सुहाना हो जाए तो इनको ब्लैंकेट की दरकार पड़ता है। सेकंड जो सिम्टम इनका अंदर हमने देखा वो मुझे ये लगा कि इनका बॉडी से काफी ऑफेंसिव बदबू आ रही थी। पेशेंट को भी ये बात पता है कि उनका बॉडी से ऑफेंसिव बदबू आया करता है, खास तौर पे आर्मपिट और इंग्वाइनल रीजन जो होती है वहां से काफी ज्यादा बदबू आता है, और इनका फोरहेड और इनका नाक का ऊपर भी इनको बहुत ज्यादा पसीना आता है, यानी इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफ्यूस स्वेटिंग ऑन अनकवर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। और थर्ड जो सिम्टम हमने इनका अंदर देखा वो था फिक्सिटीज ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स, यानी इनका मुताबिक जो सिस्टम जैसा चलते हुए आ रहा है पिछले 10 साल से 20 साल से वैसा ही चलना चाहिए आगे भी, उसमें बदलाव आने से इनको परेशानी आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब इनको अपग्रेडेशन पसंद नहीं है, अपग्रेड होना इनको पसंद नहीं है। बस इन्हीं बातों से मैंने इनको थुजा रिकमेंड किया, 0/9 से इनका ट्रीटमेंट को हमने स्टार्ट किए थे और धीरे धीरे उसको पोटेंसी को हम लोग बढ़ाते गए, और आज तकरीबन 6 महीना हो गया, इनका प्रॉब्लम पूरी तरह सॉर्ट आउट हो गया। इनका टाइट फोरस्किन की प्रॉब्लम भी ठीक हो गया, जो कि नॉर्मल कंडीशन में बैक साइड आ रहा था, लेकिन जब इरेक्शन आ रहा था इनको लिंग में तब वो बैक साइड में नहीं आ रहा था, लेकिन अब हमारा ट्रीटमेंट के बाद वो बैक साइड में आ रहा है इरेक्शन आने के बाद भी। और शॉर्ट सेनुलम की जो प्रॉब्लम है उसमें काफी सुधार इनको हो चुका है, इनका बातों से आप पता लगा सकते हैं। इसके अलावा इनका लिंग का जो विकास सही से नहीं हुआ था, जो साइज में इनका जो प्रॉब्लम थी वो साइज में भी इनको इंप्रूवमेंट आ गया है। मैं चाहता हूं फिर से आप लोग एक बार मेरा और उनका बीच में जब मैं काउंसलिंग कर रहा था क्या बातें हुई, एक बार फिर से आप सुनिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं बोल बोलिए रहा सर। था कि आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे पास पिछले 6 महीने से शॉर्ट सेनुलम और आपका जी, माइक्रो पिनस का, तो जी शॉर्ट सेनुलम में कितना आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है अभी तक? 70% इलास्टिसिटी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अच्छा, और आपका जी माइक्रो जी पिनस में, पिनस की साइज में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? पिनस की साइज में सर अभी इम्प्रूवमेंट तो लग रहा है मेरे को, 1.5 से 2 इंच लगभग। अच्छा, 1.5 से 2 इंच तक आपको इम्प्रूवमेंट आपको पिनस की साइज में भी हुआ है, और माइक्रो जी शॉर्ट सेनुलम की जो प्रॉब्लम है उसमें भी आपको काफी हद तक राहत है, यही बात है ना? जी, यही बात। तो इनका बातों से ही आप पता लगा सकते हैं कि इनको कितना इम्प्रूवमेंट हो गया, मुझे और कुछ बोलने का दरकार नहीं है। तो शॉर्ट फेनुलम की अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है तो ये पूरी तरह ठीक किया जा सकता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए। आप देख सकते हैं कैसे हम लोगों ने ठीक किया है, ये मेरा एक वीडियो नहीं है, इसके अलावा मेरा और भी 3-4 वीडियो है जिसमें हमने बताया है कैसे शॉर्ट फेनुलम का प्रॉब्लम, पेरोनिस की प्रॉब्लम हम लोगों ने ठीक किया है। और इस प्रॉब्लम के लिए अगर आप कोई एक अच्छी होम्योपैथ के पास जाते हो
तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपना अंदर, क्योंकि इस प्रॉब्लम को पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, और वो टाइम आप अपना डॉक्टर को प्लीज दीजिए। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि इस केस में मैं इस पेशेंट को मसाज करने के लिए मेरा खुद का बनाया हुआ जो जेल है ये भी हमने इनको रिकमेंड किया था। जेल के ऊपर बहुत सारा वीडियो है, आप देख सकते हैं, ये कमाल की जेल है। शॉर्ट फेनुलम बोलिए, सेंसिटिव ग्लास बोलिए, माइक्रोपेनिस की समस्या बोलिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलिए, प्रीमैच्योर इजेकुलेशन बोलिए, ये कमाल की काम करता है जेल। तो इस केस में हमने इस जेल को शॉर्ट फेनुलम और माइक्रोपेनिस की प्रॉब्लम के लिए हमने इनको दिया था, और रिजल्ट कैसे मिला इसका ये आप लोगों का सामने है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, और अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग मुझसे और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको वहां पर रिप्लाई दे दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।